वहाँ तो जॉब लग जाए मेरी, इंटरव्यू दूँ और जॉब लग जाए, कितनी जगह से जा रही हूँ। ओके हो रहा है, हर महीने प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और मैनेजर ने कुछ बताया भी नहीं मुझे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो एक दिन बैठ जाएगी कंपनी, ठप हो जाएगी मेरी तो। अरे अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इन्हें लेबर लगानी चाहिए थी और वर्कर्स लेने चाहिए, ताकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी तो कंपनी में पैसा आएगा। तो मैनेजर है कि कुछ बताता ही नहीं है। अरे लेबर बढ़ानी है तो बढ़ा लो, कोई बात नहीं, तो प्रोडक्शन तो चाहिए ना मुझे। मैनेजर, मैनेजर। यस मैम। इधर आओ। ओके मैम। जी मैडम, लाया आपने? हाँ, ये क्या है? क्या हुआ? हर महीने देखो ना, हर एक महीने में प्रोडक्शन कम होती जा रही है। इस साल में देखो ना, हर महीने में, पहले जनवरी में ठीक थी, उसके बाद फरवरी में उससे कम है काम। ये प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है? लेबर लगाओ यार। और मैम अब आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि हम कुछ चीज इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, इस वजह से थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद देखिए काम कैसे फटाफट होता है। अरे तो बात भी तो करते हैं, बताते तो सही, इन्वेस्ट करने के लिए किसने मना किया है? तो ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, एक से एक काम होगा। हाँ ठीक है, तुम लेबर मंगाओ और काम करो, इस तरह से काम चलेगा तो ये तो कंपनी बैठ जाएगी। वैसे आज एक लड़की इंटरव्यू देने आने वाली है। हाँ ठीक है, लड़की एक नहीं दो बुलाओ और जितनी जरूरत है उस हिसाब से बुलाओ, काम चलना चाहिए। मतलब जब तक माल नहीं निकालोगे तो पैसे कैसे आएंगे? और पैसे आएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा काम। तो लेबर अगर तुम्हें चाहिए तो और बुलाओ। देखो स्टाफ बढ़ाओ और कंपनी में थोड़ा, कंपनी को भी आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, कि यहीं रहना है? नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गया। हाँ। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अब आपको जैसा बोलेंगे वैसा होगा। पैसे की जो भी जरूरत है मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। जी मैडम ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। चलो मैंने ये समझा दिया है सब, मैनेजर को देख लेगा। अब मुझे दूसरे ऑफिस में भी जाना है। अच्छा वो चली गई, सुबह सुबह आती है और सुना के चली जाती है। एक बात समझ नहीं आती मुझे, अरे सारे काम मैं ही करूँ क्या? खुद कुछ काम नहीं करती, बस घर में बैठी रहती है। लेबर भी मैं ही लेके आऊँ, काम भी मैं ही कराऊँ, देखना भी मेरा काम है। एक तो वैसे भी जब पैसे की बारी आती है ना तो सिर्फ मुंह फाड़ना जानती है, जब देने की बारी आती है तो देते नहीं है पैसे। इस तरीके से काम कराएगी ना तो हो गया काम। मालकिन समझती है, अरे यहाँ के मालकिन तो मुझे होना चाहिए, यहाँ का मालिक मैं रहता ना धड़ाधड़ काम कराता। प्रोडक्ट निकालो, माल निकालो, निकल जाएगा माल, वो तो मुझे मालूम है कैसे निकाला जाएगा। आइडिया आया मेरे दिमाग में, आज जो लड़की आ रही है ना इंटरव्यू के लिए, उस लड़की से बात करता हूँ और उसको थोड़े कमीशन दूंगा। जब उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे ना, पैसों का लालच दूंगा ना, तो वो खुद ब खुद काम करेगी। हाँ
इस तरीके से काम कराना आसान रहेगा। लगता है आ गई। कमिंग, आ जाओ, गेट खुला है। आ जाओ। अब मुझे पता है कि किस तरीके से काम कराना है, अच्छे से जानता हूँ मैं काम कराना। ऑफिस तो काफी अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट हियर। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा जी। पूजा से पहले जॉब कहाँ करते थे? सर वैसे मैं कई जगह गई हूँ बट कहीं भी जॉब नहीं लगी, और वहाँ जाने का किराया कुछ भी सब खर्चा मुझ पे आता है, और ना मेरे पास कोई जॉब है ना कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है सर। प्लीज़ सर आप मुझे जॉब दे देते। हाँ खर्चा तो लगता ही है, गाड़ी किराए पे करनी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ती है, फिर उसके भी पैसे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमारे यहाँ आई हो ना तो तुम्हें जॉब 100% मिलेगी। वैसे भी हम किसी को भी बिना जॉब दिए यहाँ से जाने नहीं देते। आपको पता है हमारी कंपनी बहुत बड़ी लेवल पे काम करती है, और आप हमारी कंपनी से एक बार जुड़ेंगी ना तो आपका जाने का खुद ही मन नहीं करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पूरी तरीके से काम समझ ही गई है तो ठीक है, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। ओके सर, कब से करूं सर मैं ज्वाइनिंग? आप बताइए। आज से कर लेती हूं। वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपसे आज से ही आप ज्वाइन कर ले तो। ओके सर ठीक है, मैं ना आपके लिए कुछ लेके आता हूं। ओके सर ठीक है। पानी पिएंगी? यस सर। ठीक है मैं पानी लेके आता हूं। फाइनली यहाँ जॉब लग गए, कितनी जगह धक्के खाए मैंने। चलो अब मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बता देती हूँ कि मेरी जॉब लग गई है, मैंने आज से ही ज्वाइनिंग कर ली है, कल का कौन वेट करे। बता देती हूँ, वैसे भी ये पानी का कलर ऐसा है ना, जिस कलर में ढाल दो ना वैसे ही ढल जाता है। अब देखो ना, कौन कह सकता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी अभी अभी ग्लास में भरा है। चल बेटा लग जा अपने काम पे, जो तेरा काम है ना वही ठीक है। लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है अब रिलैक्स होगी ना पूरी तरीके से। थैंक यू सर। तो आज ही से काम पे लग जाइए। ओके सर। ये ले लीजिए आपकी डायरी। ओके सर। और ये मेरी।
क्या हुआ? नथिंग सर, वो अभी आई हूँ ना तो शायद उसकी वजह से मुझे चक्कर वगैरह आ गए। वैसे मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मेरा काम तो हो गया, जो मुझे करना था बस वो चीज तो मैंने कर ली। अब मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। तुम ये खूबसूरती ना मेरे ऊपर लुटाओ। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है ऐसी लड़कियों की खूबसूरती कैसे ली जाती है। पता है कि अब तुम्हें कोई भी हो सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है, जब काम हो जाएगा ना तब तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। थोड़ा सा नजर न रखो तो ये गायब हो जाते हैं। ऐसे ही चलता है क्या काम? देखती हूँ कमरे में चला गया है। मैनेजर! अरे ये इस तरह से काम हो रहा है, ये क्या है? मैम क्या है? कुछ क्या नहीं है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो लड़की आई थी। ये काम होने का नहीं है यार। क्या है ये? वो लड़की आई थी रास्ते में तो गर्मी में लगी हुई बेहोश हो गई थी। मैं तो उसको यहाँ लिटाने आया था, साथ ही साथ मेरी भी आँख लग गई थी। मैं बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हो तुम? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सोच रही हैं। देखिए ना, मैं तो लड़की की मदद नहीं कर रहा था और आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं देख रही हूँ अच्छे से क्या कर रहे हो तुम। ये लड़की बेहोश है। हाँ तो मैडम वो बेहोश हो गई ना इस वजह से। तो बेहोश हो गई थी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते, यहाँ क्यों लाए कमरे में? और तुम क्या कर रहे थे यहाँ? मैडम मैं तो आके यहाँ लेट गया था, खाम खाई यहाँ मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है और मेरे ऊपर झूठा नाम लगा दिया। मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, तुम्हारे जैसे मैनेजर की वजह से। अगर मैनेजर ही काम नहीं करेगा तो लेबर क्या खाक काम करेगी? तो आप क्या चाहते हैं, मैं निकल जाऊँ यहाँ से? हाँ तुम निकल जाओ मेरी कंपनी से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तुम इस लड़की के साथ व्यवहार कर रहे हो वैसे ही और लड़कियों के साथ करते होगे। इसीलिए कोई कंपनी में रुकना नहीं चाहती और काम नहीं होता। अच्छा हाँ, तो आपको कहने का मतलब कि मेरी वजह से हो रहा है? हाँ तुम चले जाओ, मैं कोई और मैनेजर रखूंगी। ठीक है मैडम, रख लीजिएगा। हाँ जाओ। पता नहीं ऐसे ऐसे मैनेजर आ जाते हैं। और ये हेलो हेलो, उठो चलो उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो 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 उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? मैम थोड़ा चक्कर आ गया था। तुम ठीक तो हो ना? चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ।